हम यहाँ पे एंजल के एप्लीकेशन पे आ चुके हैं। यहाँ पे डिस्कवर ऑप्शन पे आने के बाद इंस्टॉल ट्रेड के ट्रेड नाउ बटन पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद सिंपली हमें यहाँ पे सर्च ऑप्शन पे इन्फोसिस को सर्च करना होता है, तो हम यहाँ पे इन्फोसिस टाइप कर लेते हैं। तो यहाँ पे इन्फोसिस हम यहाँ पे लगा लेते हैं, हमारे सामने इन्फोसिस का चार्ट लग जाता है। इस समय इन्फोसिस के स्टॉक में 0.5% के हमको तेज़ी देखने को मिली थी, तो इसको हम सिंपली क्लिक कर देते हैं। तो हमारे सामने इन्फोसिस का चार्ट लग जाता है, तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि इन्फोसिस ने आज यहाँ पे अगर हम देखें तो ये बॉलिंजर बैंड पे इसने एक सपोर्ट लिया शानदार, और सपोर्ट लेने के बाद इस स्टॉक में ने 1480 के लेवल पे ये ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। और यहाँ पे हमें जो अगर स्टॉक में ये सपोर्ट को होल्ड कर लेता है, जो सपोर्ट आपको यहाँ देखने को मिल रहा है, इसने 1458 का यहाँ पे एक सपोर्ट बनाया हुआ है, तो जो इसमें एक रजिस्टेंस देखने को मिलता है, पहला रजिस्टेंस ये 1499 का हमें देखने को मिलता है, और अगला जो रजिस्टेंस यहाँ पे बनता हुआ नज़र आता है ये बोलिंटर पेंट के मुताबिक ये 1541 का देखने को मिलता है। तो इन सपोर्ट और रजिस्टेंस के ऊपर हम यहाँ पर ध्यान रख सकते हैं कि कल के ट्रेडिंग सेशन में यह लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इस ऑप्शन चेन पर हम क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद हमारे सामने इन्फोसिस की ऑप्शन चेन ओपन हो जाती है। अगर हमें लगता है कि रिजल्ट के लिहाज से इसमें अच्छा खासा मूवमेंट हमको देखने को मिलता है, तो हम इसमें जो कॉल ऑप्शन देखने को मिलता है, स्ट्राइक प्राइस हमें जो देखने को मिलता है ये 1500 का स्ट्राइक प्राइस जो एट द मनी चल रहा है, और अगर पुट्स ऑप्शन में जाना चाहते हैं, अगर इन्फोसिस में रिजल्ट के साथ अगर प्रॉफिट बुकिंग अगर देखने को मिलती है, तो जो पुट ऑप्शन यहाँ बनते हुए नज़र आता है ये 1500 और 1480 का देखने को मिलता है। तो जैसे अगर हम बाय बटन पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे सिंपली बाय बटन पे क्लिक करते हैं, और यहाँ से इसको बाय करना काफ़ी इजी आसान हो जाता है। इसमें सिंपली यहाँ पे बाय ऑप्शन पे क्लिक करना होता है। एक बार बाय करने के लिए इसका लॉट साइज जो है ये 400 क्वान्टिटी का है आपको यहाँ देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर एक टाइप करना होगा। तो एक जैसे टाइप करते तो यहाँ जो इन्वेस्टमेंट लगेगा 2628 पैसे के हिसाब से ये 10740 रुपये लगेगा। सिंपली बाय बटन पे क्लिक करना है। बाय बटन पे क्लिक करने के बाद कंफर्म बाय का ऑप्शन आता है। ऑर्डर कंफर्म होने के बाद अगर एक बार पोजीशन बन जाती है, तो इसका प्रॉफिट एंड लॉस हमको सेम विंडो पर देखने को मिलता है। ऑर्डर यहीं पर हम देख सकते हैं, वॉच लिस्ट देख सकते हैं, और स्टॉक का एनालिसिस हम यहीं पे सेम विंडो पे कर सकते हैं। ऑर्डर को अगर हमको बेचना चाहते हैं, तो यहाँ सेल की बटन दी गई है, यहीं से सेल हम कर सकते हैं। तो इतना आसान है इंस्टा ट्रेड पे ऑर्डर लगाना, ऑर्डर को बेचना। तो आप अपने एनालिसिस के आधार पे अपने इन्फोसिस को आप देख सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों किसी भी व्यक्ति को ऑप्शन या शेयर बाय एंड सेल करने की एडवाइस नहीं है, तो आप किसी भी स्टॉक में पोजीशन बनाने से पहले आप अपना टेक्निकल एनालिसिस जरूर कीजिए। उम्मीद करते हैं दोस्तों वीडियो जानकारी आपको पसंद आई होगी, तो वीडियो को आप लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए, ताकि स्टॉक मार्केट से जुड़ी हर एक अपडेट आपको समय समय पर मिल सके। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग बने स्टॉक बिजनेस के साथ। नमस्कार।